कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम। डर लगता है कहीं कोई अपना रूठ ना जाए। जीवन में सफल हुए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात का आभास तक नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो सफलता के कितने करीब थे। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस कराती है। यूं ही गुजर जाते हैं मीठे लम्बे मुसाफिर की तरह और यादें वहीं खड़ी रह जाती है रास्तों की तरह। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। इस संसार में सबसे अधिक ज्ञानी वही है जो अपनी कमियों को समझकर उनमें सुधार कर सके। सिर्फ सोते हुए ही वास्तविक सुंदरता का अनुभव होता है, क्योंकि सपनों पर कभी किसी की हुकूमत नहीं चला करती। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो वह अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब वह बर्बादी के शिखर पर होता है तो अक्सर उसके अपने उसे भुला देते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी किसी से ना करना, क्योंकि लोग कटी पतंग को जम के लुटा करते हैं। नजरअंदाज करो उन लोगों को जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। पीठ पीछे वही बुराई करते हैं जो आपकी बराबरी करने की औकात नहीं रखते। गुस्सा होने का अर्थ यह है कि दूसरों की भूलों के लिए स्वयं को सजा देना। अच्छे निर्णय लेना अनुभव से आता है, और अनुभव बुरे निर्णय लेने से आता है। वह इंसान जो खुद को ज्यादा व्यस्त रखता है, अक्सर वही इंसान खुद को अच्छा बनाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। सुना था कभी किसी से कि ये दुनिया मोहब्बत से चलती है। करीब जाकर देखा ये दुनिया तो स्वार्थ की दुनिया है, बस जरूरत से चलती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो होती है, लेकिन ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। ये जमीन की फितरत है कि वो हर चीज को सोख लेती है, वरना इन आंसुओं से गिरने वालों का अलग ही समंदर होता। जिंदगी में किसी के साथ ये समझकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है सिवाय आपके खोने के। नहीं मिल रही है मंजिल तो दुखी मत हो ऐ मुसाफिर, बस इतना याद रख फूलों को भी वक्त लगता है बाग बनने में। इंसान की एक गलती उसका अनुभव बढ़ाती है, और इंसान का यही अनुभव उसकी गलतियां कम कराता है। इसलिए अनुभव से सीखो। भगवत गीता में लिखा है, इंसान जो चाहे बन सकता है, जो चाहे कर सकता है। यदि इंसान उस काम के बारे में सच्चे विश्वास से सोचना शुरू करे और उसे करना शुरू करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।